हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे और आप सभी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल स्टडीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 27। यहाँ मिलता है आपको 20 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होता है। इन सभी क्वेश्चनों को आप PDF में भी डाउनलोड कर पाएंगे हमारे नेक्स्ट फेम चैनल, और साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर पाएंगे। और ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन, आकाश का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा? सायरस सबसे चमकीला तारा यानी कि ब्राइटेस्ट स्टार है, इसको आपने याद रखना है। वहीं शुक्र ग्रह से क्या याद रखना है? शुक्र एक प्लैनेट है और इसको किसके नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी की बहन, सिस्टर ऑफ अर्थ के नाम से। वहीं सांझ का तारा, भोर का तारा किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। और शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। वहीं ड्वार्फ प्लैनेट की यदि हम बात करें तो ड्वार्फ प्लैनेट के नाम आपको याद रखने हैं, कौन कौन से हैं वो? सीरस, प्लूटो, मेक मेक, होमिया और आयरिस। तो मेक मेक क्या हो गया? एक ड्वार्फ प्लैनेट है, इसको आपने लर्न रखना है। और साथ ही ये चार और रखने हैं, सीरस, प्लूटो, होमिया और आयरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, महाबलीपुरम को किस शासक ने बसाया था? तो राइट आंसर नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम को बसाया था, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और वहीं यह किस डायनेस्टी के थे? तो ये पल्लव डायनेस्टी के थे, पल्लव डायनेस्टी के थे। और पल्लव डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे, किसने स्थापना की थी? तो सिंह विष्णु ने पल्लव डायनेस्टी की स्थापना की थी, इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास होता है, यानी कि दूध किसके कारण मीठा होता है? तो राइट आंसर लैक्टोज के कारण दूध मीठा होता है। और लैक्टोज क्या होता है? डाइसैकेराइड होता है, डाइसैकेराइड होता है लैक्टोज। वहीं लैक्टोज के कंपोनेंट्स क्या क्या बनते हैं? ग्लूक्टोज और ग्लूकोज किसके कंपोनेंट है? लैक्टोज के, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। वहीं सुक्रोज के क्या कंपोनेंट्स बनते हैं? सुक्रोज किसमें ब्रेक होता है? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में होता है सुक्रोज। और वहीं कैरोटीन के कारण क्या होता है? दूध का रंग पीला होता है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो राइट आंसर श्रेष्ठ मतलब सुपीरियर है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ। और आर्य कहाँ से आए? मध्य एशिया से आए, यह बात किसने कही थी? मैक्स मूलर ने यह कहा कि आर्य मध्य एशिया से आते हैं। और आर्य आए तो आर्यों ने कौन सी सभ्यता स्टार्ट की? वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता की एज क्या रही? 1500 BC से लेकर 600 BC तक, जिसमें 1500 से 1000 BC क्या रहा? आपका पूर्व वैदिक काल। और 1000 से 600 क्या रहा? उत्तर वैदिक काल, यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य है? तो वह राज्य है हरियाणा। भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला और सबसे अधिक कौन सा है? तो वो है केरल। और बिहार राज्य कौन सा है? हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला राज्य कौन सा है? वो है बिहार। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? तो गुप्त शासक ने चांदी के सिक्के जारी किए, उसको रूपक नाम से जाना जाता था, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं सोने के सिक्के को किस नाम से जाना जाता था? तो उसको जाना जाता था दिनार के नाम से, यह भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त ने। वहीं रुपया किसने चलाया? शेर शाह सूरी ने चलाया रुपया। और शेर शाह की मृत्यु कहाँ हो जाती है? कलिंजर युद्ध में। और शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में। वहीं पण क्या होते थे? मौर्य काल में चांदी के सिक्कों को पण कहा जाता था। और मौर्य काल की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य काल की स्थापना की थी, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में किसके पत्र के साथ भारत आया था? तो राइट आंसर जेम्स प्रथम के पत्र के साथ, यानी कि वो जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस भारत आया था, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय बनाया था? तो राइट आंसर 1882 अड्यार में थियोसोफिकल सोसाइटी ने
भारत में अपना मुख्य कार्यालय बनाया था। इसकी स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना 1875 में कहाँ हुई? अमेरिका में हुई थी, थियोसोफिकल सोसाइटी की। और इसके संस्थापक कौन थे? तो मैडम ब्लाटवस्की इसके संस्थापक थे, और साथ ही कर्नल अटकाम भी इसके संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो राइट आंसर 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। और महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो वह था चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार राज्य से संबंधित है चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर चीन विश्व में सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन करता है। वहीं चीन से आपको याद रखना है कि सोरो ऑफ चीन किसको बोलते हैं? तो वो बोलते हैं हांगहो रिवर। हांगहो रिवर को सोरो ऑफ चीन कहा जाता है, यानी कि चाइना का शोक कहा जाता है। इसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं बिहार का शोक किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं कोशी नदी को। यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कहाँ है? तो राइट आंसर सिक्किम राज्य में है भारत की सबसे ऊंची हिमालय चोटी, और वह कौन सी है? कंचनजंगा। इसको भी आपने याद रखना है। साथ ही आपको मिल जाएगा गॉडविन ऑस्टिन, और गॉडविन ऑस्टिन कहाँ है? पीओके क्षेत्र में पड़ता है। यह भी आपने याद रखना है। कई बार ये क्वेश्चन मिलता है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गॉडविन ऑस्टिन आ जाएगा। अगर भारत की बात करेंगे तो वहां पर आएगा क्या आपका? कंचनजंगा। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और सिक्किम से आप क्या याद रखेंगे कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनता है, और कब बना? 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, और सिक्किम बड़ी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत का। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर चिनाब नदी पर है सलाल परियोजना। यह वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, लोकसभा में निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो राइट आंसर 25 ईयर्स न्यूनतम एज होनी चाहिए लोकसभा में निर्वाचन होने के लिए, इलेक्ट होने के लिए। वहीं आपको राज्यसभा के लिए कितनी एज की जरूरत पड़ती है? तो 30 साल होनी चाहिए आपकी उम्र राज्यसभा के लिए। विधानसभा के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 25 साल। और पंचायती राज और नगर निगम के लिए कितना एज चाहिए आपको? 21 साल होना चाहिए। ये आपका एज क्राइटेरिया होता है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और पंचायती राज, यानी कि नगर पालिका में भी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तिथि को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी? राइट आंसर 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हो गई थी, और इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा था? सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। यह वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और यह कैसा होता है? बेसिक इन नेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, वृद्धि हार्मोन स्त्रावित होता है, वृद्धि हार्मोन का सिक्रीशन कहाँ से होता है, ग्रोथ हार्मोन का? तो राइट आंसर पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन होता है। अगर सिक्रीशन कम होगा तो इंसान कैसा हो जाता है? बौना हो जाता है। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? तो केरल की राजकीय भाषा है मलयालम। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और तमिल तमिलनाडु की, तेलुगु आंध्र प्रदेश की, और कन्नड़ भाषा कहाँ की है? कर्नाटका की है। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? राइट आंसर रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। और श्रीलंका और भारत को कौन अलग करता है? तो पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका को अलग करता है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन डायरेक्ट आता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? तो राइट आंसर रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, क्योंकि सबसे पहला जो न्यायालय होगा वही सर्वोच्च न्यायालय होगा। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। और कब हुई थी? 1774 में।
इसकी स्थापना हुई थी। और रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट। और इसी एक्ट के तहत 1774 में क्या बनता है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय बनता है। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजाह एम पे, इसको आपने याद रखना है। और साथ ही तीन अन्य न्यायाधीश कौन थे, तो चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइट, तीन अन्य न्यायाधीश थे, एंड टोटल चार न्यायाधीश थे। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटिंग एक्ट कब आता है, 1773 में। इसी एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाते हैं कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, इसका राइट आंसर क्या होगा, आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। 26 जनवरी, 26, 27, 29, 30 क्या इसका आंसर है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी, राइट आंसर 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। और किसने की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की थी। और यह किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और एक क्वेश्चन आप याद रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवाया, दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाया। और साथ ही 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कहाँ करवाता है, अजमेर में, यह भी इंपॉर्टेंट होगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगन खेलते समय घोड़े से गिरकर हो जाती है, यह भी आप याद रख लेंगे। सो गाइज, ये थे आज के सभी वेरी इंपॉर्टेंट जनरल स्टडीज के क्वेश्चन, होप सो आपको समझ में आया होगा। तो गाइज, इन सभी के क्वेश्चनों के नोट्स बनाइए, याद कीजिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।